ये फंक्शन टेक्स्ट को सेल के रेफरेंस के तौर पे रिटर्न करता है। पहला आर्गुमेंट सेल का रेफरेंस होता है, दूसरा आर्गुमेंट आरजी होता है, इसमें लॉजिकल वैल्यू आती है। इसके बाद ये फंक्शन टेक्स्ट को वैलिड रेफरेंस में रिटर्न करके हमें देता है। इसके हम कुछ मिसालें देखते हैं। इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हम b2 देंगे। इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमने यहाँ पे b2 दिया है, तो b2 के सेल में हमने c2 लिखा है, जबकि टेक्स्ट हमने d2 के अंदर लिखा है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह इस फंक्शन ने टेक्स्ट को सेल के रेफरेंस के तौर पे लिया है, यानी ये जो इनडायरेक्ट फंक्शन है ये टेक्स्ट को सेल के तौर पे लेता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले b2 का रेफरेंस इसको दिया है, जहाँ से इसने इस b2 में c2 लिखा हुआ ले लिया, और फिर चूंकि इसने ये सेल के रेफरेंस के तौर पे c2 को लिया है, तो c2 की जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को इसने यहाँ पे लेके इसको यहाँ पे इसने रिटर्न करके दे दिया। इसी तरह हम दूसरी मिसाल देखते हैं, जिसमें हम यहाँ पे बी एज अ टेक्स्ट के तौर पर लिख रहे हैं, और b3 जो है जिसमें 2 की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज अ टेक्स्ट के तौर पे, तो ये टोटल हो जाएगा b2। तो इसी तरह b2 के अंदर ये b2 का सेल का रेफरेंस बन गया है पूरा, तो b2 का सेल का रेफरेंस बना है, b2 का सेल के अंदर c2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसने अब हमें c2 को एज अ टेक्स्ट यहाँ पे लिख के दिया है, और यहाँ पे यही रेफरेंस हमने यहाँ पे दिया था रेफरेंस के तौर पर, तो उसको उसने टेक्स्ट के तौर पर लिया है। इसकी अब हम एक और मिसाल देख लेते हैं कि कैसे हम इस फंक्शन में सेल की रेंज को इस्तेमाल करेंगे और ये फंक्शन हमारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें जो है यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल सेल हमारे पास आ जाए, संडे की जो टोटल सेल हुई है, तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फार्मूले में जाके डिफाइन नेम करेंगे, डिफाइन नेम में इसको हम सन लिख देंगे खाली, और ओके इसको करते हैं। अभी हमारे पास पूरी रेंज जो है ये संडे के नाम से सेव है। अब यहाँ पे हम इसको सम करेंगे, सम करके हम इसको इनडायरेक्ट का जो फंक्शन है हमारा, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इनडायरेक्ट के फंक्शन में हम यहाँ पे सम लिख देंगे। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे देखें कि सम के नाम से इसने फौरन से हमें ये वैल्यू निकाल के दे दिया। i14 हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये सम की वैल्यू इसने पूरी निकाल के हमें यहाँ दे दिए। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा गेस कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट फंक्शन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।